दोस्तों, मैं हूं नम्रता द्विवेदी। आज मैं उपमा बनाने जा रही हूं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यहां पे हम आपको दिखाते हैं क्या क्या सामग्री हम उपमा बनाने में यूज किए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे एक कप सूजी है। आप आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। जितने लोगों के लिए आपको यूज करना है, दो कप तीन कप आप यूज कर सकते हैं। ये है मूंगफली जो कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लिए हैं। एक काजू है 10 पीस जो कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको भी कर ली हूँ। ये दो मिर्चा है, इसे भी मैं बड़ा बड़ा टुकड़ों में कर लिए हैं। ये राई है 1/2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पे उड़द का दाल भिगो के हम ले लिए हैं इसको। और यहाँ पे 4 चम्मच घी है जो हम इसको डाल के बनाएंगे। कड़ी पत्ता है। अब सबसे पहले मैं हॉट प्लेट को ऑन करती हूँ। मैं घी इसमें डाल देती हूँ। दाल डालती हूँ 2 चम्मच। इसको ब्राउन करूंगी। हल्का ब्राउन हो जाए। ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं मिर्चा डालती हूँ। इसके बाद राई भी डाल देती हूँ इसमें। ये कड़ी पत्ता इसमें मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। सूजी को हल्का सा भून लूंगी, हल्का ब्राउन करूंगी इसे, बहुत ज्यादा नहीं। हल्का ब्राउन हो जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरी सूजी एकदम ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं और काजू के टुकड़े भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं 1 गिलास। अब इसको हम चलाते रहेंगे, पक जाएगा। ये नमक भी हम इसमें डाल दिए। आप देख सकते हैं कैसे हमारा गाढ़ा हो गया है। बस ये अब तैयार होने वाला है। बहुत जल्दी ये तैयार होता है। पक गया है। प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको धनिया से डेकोरेट कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आइकन बेल दबाना ना भूलिएगा। ये आप छुट्टियों में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा नाश्ता है, हेल्दी भी है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं टिफिन में।